हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हूँ तामिली घाट में, क्योंकि तामिली घाट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनी ट्रैकिंग लोकेशंस। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए प्लस वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड अगेन रवि, देयर इज अ वेरी गुड लोकेशन, मतलब एक नेचुरल पॉन्ड, और एक्चुअली हम लोग देवकुंड वाटरफॉल का सोर्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपने लोकेशन की तरफ। और ये जो लोकेशन है ये तामिली घाट के रोड में ही है, ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर है पुणे से। आई गेस ये लोकेशन गूगल मैप में भी मार्क है। सामने मुल्छी लेक दिख रहा है और ये माउंटेन रेंज आ गया। एक्चुअली इसी माउंटेन रेंज में ही हम लोग जाएंगे। तो आई थिंक हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे। तो हमको गाड़ी यहीं पे खड़ा करें ना, हाँ हाँ वहाँ से जाना। होटल प्लस वैली, तो होटल प्लस वैली में आके रुके और यहीं से स्टार्ट होता है प्लस वैली का ट्रैक। जल्दी पहुंच गए पिछली बार से। उस होटल से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा आगे, अराउंड 500-700 मीटर के। और अच्छा ये वाला वैली है क्या? अच्छा रास्ता खतरनाक ही है, पूरा अचानक से वैली में नीचे उतरना पड़ रहा है। वो इधर बीच तक जाना है हमको। मस्त लेकिन इसमें बना हुआ देखो ना, कट्स पत्थर पे। हम लोग कितना टाइम हो गया अभी प्रवीण? एक घंटा गया एग्जैक्ट, एक घंटा। अभी हम लोग प्लस वैली के मिडिल में है, सो ये डायरेक्शन से हम लोग आए थे। और ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा मिल्की बार और एक वाटरफॉल है। अच्छा, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए जगह भी है। तो अगर जिसको उसको मतलब मिल्की बार के लिए आना है तो उस साइड से भी आ सकता है, वहाँ पे एक पुलिस का एक क्या बोलते हैं चौकी भी है। अच्छा, तो वहाँ से आ सकता है। एंड देन बीच में आके राइट साइड में आप जब जाओगे तो दिस विल गो टू द वाटरफॉल अपना देवकुंड। अच्छा, तो देवकुंड वाटरफॉल का जो पानी का इंटेक रहेगा वो इस साइड से और इस साइड से, दोनों तरफ से, दोनों साइड से। अच्छा।
मच्छर नहीं हो। अभी जाके पहली बार पानी देखा। तो ये दूसरा वाला सोर्स है ना? हाँ, तो ये एक्चुअली प्लस बोल सकते हैं। हाँ, मिडल ऑफ ऐसा ही प्लस वैली, तो यहाँ से पानी आएगा। प्लस कहाँ हुआ रे? ट्यूब हुआ फिर तो? नहीं नहीं, प्लस हुआ ना, ये ऐसे और इधर है ना। अरे ये आगे है। अच्छा वो है क्या? हाँ, जो झाड़ी में छुप गया। तो ये हाँ, जो ये माउंटेन है ना, वो कट है ना, बीच में कट है ना, कट में पेड़ उगा हुआ है, इसके लिए प्लस है। अच्छा, और देवकुंड के लिए जब आते हैं तो ये इसके पीछे जब एक गांव है ना, हाँ, वहाँ पे बेस या फिर स्टार्ट लोकेशन है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन? तो फिर ये नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इसके पीछे। अच्छा, और उधर से चलते चलते 10 किलोमीटर ये देवकुंड तक आना है। अच्छा, इधर है। हाँ, तो ये देवकुंड ऊपर से देखना तो ये ज़्यादा आसान है। हाँ, ये अरे ये आपके लिए आ गया, आ गया, आ गया। पहला वाटर सोर्स आया बड़ा वाला। अरे ये भी गहरा है भाई, इतना भी नहीं है। हाँ, साइड तक जाया जा सकता है। इधर से उधर चलो, राइट से। नहीं, डीप तो है, उधर जा सकता है वो पत्थर तक। हाँ, साइड में जा सकते हैं। कितना क्लीन वाटर है यार। शिट, मेरे को, मैं सोच रहा था वो गोप्रो लेके आना चाहिए, अंडर वाटर घुमाते घुसाते उसको पानी में। लास्ट टाइम वो तुमने बोला था कि वो नहीं चलता। नहीं, उसका कवर लेके आना पड़ता अलग से। अच्छा, ऐसा फील आना चाहिए इतनी दूर आके, तैरने नहीं आता ना मेरे। चलो नहीं, लेकिन क्या है ना कि ग्रेजुअली बढ़ा है तो ये किया। हाँ, हाँ, मतलब कुछ नहीं तो भाई, मतलब पानी ज़्यादा हो गया ना, पानी के अंदर चल चल के आ जाओ बाहर। सर नहीं है, फक्त बघू ना अपने ऐसे कारण पब्लिक है, नंतर एकदा ते पाठीमागे गेला की परत गर्दी होणार आहे। किस साइड जाना है? उधर से उतरना है? दोनों सेमी है, इधर राइट से चलो। यहाँ पे आगे चौड़ा हुआ है। अच्छा, ये एग्जैक्टली देवकुंड के नीचे वाला है क्या? देवकुंड ही है ना? ओके, क्योंकि देवकुंड का भी बेड जो ऊपर से आता है तो वो चौड़ा है ना। नहीं नहीं, अभी इधर जो कुछ डालोगे ना, हाँ, तो देवकुंड में जाके मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब बारिश में, हाँ, पीक में, हाँ, वो देख के मतलब फील आता था कि यहाँ से कितना पानी जाता होगा। हाँ, बारिश में ऑलमोस्ट क्लिफ दिख रहा है। हो गया आगे। टी वैली तो पलीकड़ चढ़ूंगा। अच्छा, हाँ नहीं, ऐसा पलीकड़ था तो प्रॉपर है। देखो ना, सब कैंपिंग का ही है। आग वग जलाया। हाँ, प्लस वैली प्रॉपर एकदम, सब लोग कैंपिंग करते गए। बहुत सही जगह है, इतना प्यारा साउंड आ रहा है। हाँ, उधर चलो। हाँ, इधर कूद सकते हैं। इधर सर, नहीं तो कूदने के लिए लगा। हाँ, ये ठीक है तुम्हारे। हाँ ना, अरे ये भी थोड़ा गहरा ही लग रहा है। देखो बीच में गहरा लग रहा है, 6 फीट होगा। अरे लेकिन उतना तो चेस्ट तक तो चाहिए ना। अच्छा ठीक है ना, यहाँ से भींगते चलेंगे फिर, और क्या करेंगे। हा? यहीं से भींगते चलेंगे ऊपर। देख अभी ऐसा खत्म होगा, टुकड़ों को दो बाजू नहीं, वहाँ तक चलते हैं, वहाँ से फिर ये लास्ट से पॉइंट है। हाँ, वहीं तक चलते, लास्ट तक आए तो देख लेते नीचे भी झांक करके, और थोड़ा देख के। हाँ, अभी ये बहुत एकदम आराम से चलेंगे। नहीं तो उतरतो ना, इथे तुम्ही नका उतरू, उतरू शकतो इथून।
तो क्या मस्त मज़ा आया इन लोगों को, इन लोगों के नहीं स्पेशली प्रवीण को इसमें कुद्दी मारने में और पानी में नहाने में, थोड़ा सा गहरा था तो मैं और अनिल इसमें नहीं गए, मैं और अनिल आगे वाले में जाएंगे, द क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला है। तो लास्ट टाइम अपना एकोले वैली का हुआ था, तो लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि एक बार नया कोई लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। सो ये इस बार हमने प्लस वैली को सिलेक्ट किया था, तो प्लस वैली का सेम लास्ट टाइम जैसे हमने एकोले वैली का किया था, तो ये ऑफबीट बोल सकते हैं इसको। हाँ, हालांकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, फिर बोल सकते हैं कि मॉडरेट डिफिकल्टी है, बट ठीक था। तो ये अगेन ये तामिनी घाट में ही आता है ये लोकेशन, और दूसरा मतलब मेन हाईवे पे आप बाइक वगैरह पार्क करके आपको प्लस वैली में हाईवे के साइड से आना है। ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये एक्चुअली प्लस वैली का पॉइंट सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये जो हम लोग इस तरफ से आए थे, इधर से स्टार्ट किया था, तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक सीधा ऊपर की तरफ भी जा रहा पेड़ है और ये ऐसे भी जा रहा है, तो हम लोग ऐसे उस तरफ गए थे, तो उस तरफ हम लोग को देवकुंड का एंड मिला था जहाँ पे डिप हो रहा है, वहाँ पे दो पॉइंट्स बनाया ना, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो गहरा था, उसमें हम लोग दोनों तो नहीं उतरे, हम लोग क्योंकि रुकी है, लेकिन प्रो बंदा जो है वो डुबकी मारा उस पर और हमने ऊपर वाले पे डुबकी मारा अनिल, राइट? हाँ। तो कैसा फील हुआ उसमें? अच्छा फील हुआ। तो मतलब उसमें आपने तैरा कि नहीं एग्जैक्टली, कि खाली बस ऊपर ऊपर थे? नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता, तो सिर्फ मैंने जंप करना शुरू कर दिया वहाँ पे जाके, मतलब इतने पानी में। हाँ। तो भाई आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग भी आओ, और हो सके तो हमको ज्वाइन करो, हम लोग भी भाई छोटे ग्रुप है, हमको भी ज्वाइन करके हमारे साथ भी आओ, हमको भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ करते वीडियो गेंड, टाटा बाय बाय।